आदरणीय सभी भाइयों को राम राम। और आज आप देख सकते हो कि गांव रमाला में जो बिल्कुल नहर के निकट ये तिरंगा पार्क का निर्माण हुआ है, और तिरंगा पार्क के पास में जो नहर की पटरी है उस पे जेसीबी द्वारा साफ सफाई का कार्य चल रहा है। दोनों तरफ पटरी पर काफी कांस खड़ा हुआ था, झुंड खड़े हुए थे, उन्हें आज तोड़ दिया गया है, जिससे एक्सीडेंट की संभावना भी कम हो जाएगी। दोनों तरफ से वाहन आते हैं, चुराया पड़ता है, दो तीन एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं। और ये गांव में अगर इसी तरह से कार्य हर गांव में, क्योंकि नहर के पुल के नजदीक जितने कांस के झुंड खड़े हैं कुछ दिखाई नहीं देता, और एक्सीडेंट होने की संभावना 100% रहती है। चूकने की कोई वो नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये गांव रमाड़ा में नहर का, और ये आप देख सकते हो भाई, इसमें बीच में एक पेड़ आ गया था, उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि पेड़ भी जो है जरूरी है। और ये गंदगी आज जो है यहाँ की हटगी है सब। और तिरंगा पार्क के सामने आप देख सकते हो कल से क्यारियां बना दी जाएगी, जिसमें अच्छे अच्छे फूल लगा दिए जाएंगे। और ये जेसीबी का कार्य लगभग समाप्ति की ओर ही मान लो। और सभी भाइयों का धन्यवाद है, जिसमें आज गांव रमाड़ा में ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ, जो चारों तरफ का चुराया पड़ता था, पुल था, और वाहन आते जाते थे, लेकिन बिल्कुल साफ कर दिया गया है। आप देख सकते हो किस तरह कांस खड़े हुए थे। धन्यवाद भाई। सभी भाइयों को राम राम, और फेसबुक पर सभी मित्रों का स्वागत है। आज आप हो रमाला नहर के पुल पर, जो तिरंगा पार्क के बिल्कुल सामने है, जिस पर आज एक्सीडेंट ना हो उसकी संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाए। जो यहाँ पे कांस खड़े हुए थे वे सब साफ करा दिए हैं, और उन्हीं पर कार्य चला हुआ है, जिसमें सुबह से जेसीबी मशीन पहले यहाँ जो रेत निकल रहा था उसके रास्ते रोके गए, और अब आप देख सकते हो दोनों तरफ की पटरियाँ बिल्कुल साफ कर दी गई है। और सभी से निवेदन है कि जो गांव नहर पर पड़ते हैं, जो जिनके पास पुल है, ऐसे एक्सीडेंटों की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और हो भी रहे हैं लगातार, तो सभी भाइयों से निवेदन है कि वे ग्राम प्रधान द्वारा या किसी का भी सहयोग लेकर इस तरह के कार्य करें। और जेसीबी द्वारा आज आप देख सकते हो किस तरह बिल्कुल साफ सफाई का माहौल यहाँ बना दिया गया है। अब धीरे धीरे इसकी सफाई हो जाएगी, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है तिरंगा पार्क के बिल्कुल सामने, चारों तरफ से जो है बिल्कुल क्लियर कर दी गई है नहर की पटरी। और सभी भाइयों को धन्यवाद है।